हरियाणा में इनेलो को एक बार फिर झटका लगा है। इनेलो के नागेंद्र भड़ाना बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, साथ ही निर्दलीय विधायक रविंद्र मचरोली और बीएसपी विधायक टेकचंद शर्मा भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मानेसर लैंड स्कैम और एजीएल प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य 5 आरोपियों के साथ पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। मानेसर लैंड स्कैम में आज बहस नहीं हो सकी क्योंकि वकील मौजूद नहीं थे। अब दोनों मामलों की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पंजाब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नशे को रोकने में नाकामयाब रही। आपने कैप्टन अमरिंदर को घेरते हुए कहा कि 4 सप्ताह में नशे को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने से देश भर में खुशी का माहौल है। लोगों ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों ने इंद्री में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया, तो वहीं भारत माता के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर जींद में लोगों ने जश्न मनाया। शहर के बाजारों में लोगों ने तिरंगा लहराकर भारत माता के नारे लगाए और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी में झूमते नजर आए। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेते हुए धारा 370 हटाए जाने पर रेवाड़ी में खुशी का माहौल दिखा। केंद्र सरकार के इस अहम फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए रेवाड़ी की जनता ने पीएम मोदी का आभार जताया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से फतेहाबाद शहर में निकाली गई गौरव यात्रा। यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन जवाहर सैनी मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। पंचकुला पुलिस का ट्रक ड्राइवर के साथ अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। टीसीआर चालक संजीव कुमार को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। विभागीय जांच अभी भी जारी है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल कॉलेज में छात्रा के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड छात्रा से मारपीट करता नजर आ रहा है। दरअसल चौधरी बंसीलाल कॉलेज में सैकड़ों छात्र उन्नाव रेप कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मी और छात्रों के बीच झड़प हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने छात्राओं के साथ मारपीट भी की। सपना चौधरी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में घिरे दिग्विजय चौटाला महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे। दिग्विजय से महिला आयोग ने पूछताछ की। दिग्विजय अपने वकील के साथ महिला आयोग के कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि महिला आयोग ने दिग्विजय चौटाला को नोटिस जारी कर 15 दिन में पेश होने को कहा था।